अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 के तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज में दो फार्मूले मेन, जो दो फार्मूले स्केयर के दो फार्मूले यूज हो रहे हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। एक फार्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर इसकी जगह पर हम माइनस लगा दें तो इधर क्या आ जाएगा, इसमें देखें माइनस लगा दें तो ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इन दो फार्मूलों को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई का स्क्वायर। इसको ओपन करने के लिए हम वही फार्मूला, इधर देखें जो 2x है ये समझे ए है और वाई क्या है बी है। 2x क्या है ए है और वाई को हम बी ले लेते हैं। ए का फार्मूला देखें तो ए का स्क्वायर, तो ए इधर 2x है तो 2x का स्क्वायर फिर क्या प्लस 2ab, 2ab, 2 वैसे ए क्या है हमारे पास 2x है और बी की जगह क्या है वाई है, रिप्लेस कर देते हैं वाई। अब बी स्क्वायर, बी की जगह पर वाई है तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 था 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, प्लस फिर 2 4 2 2 था 4, ये मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू एक्स वाई आ जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। वैसे यही हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास कंप्लीट क्या है, ये आंसर है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट ये है, 2x प्लस 5y का स्क्वायर। अब देखें हमने वही फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, इधर 2x क्या है a है और 5y क्या है इधर b है, तो a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, a की जगह 2x है उसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 वैसे इंटू a की जगह 2x है और b की जगह क्या है 5y। नेक्स्ट प्लस b का स्क्वायर 5y का स्क्वायर, फिर क्या 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, वैसे ये 2 2 था 4x इंटू 5y वैसे आ गया, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 इंटू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें ये 4x स्क्वायर, वैसे ये 4 5 था क्या हो गया 20 20xy और 525 ये वाई का स्क्वायर, वैसे ये आंसर है हमारे पास कंप्लीट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, थर्ड पार्ट, एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। देखें ये एक्स डिवाइडेड बाय 2 ऐसे समझे ए है और वाई डिवाइडेड बाय 2 क्या है बी है, तो हमारे पास फार्मूला था ए का स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर की जगह एक्स डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह, फिर प्लस 2ab, ए की जगह एक्स डिवाइडेड बाय 2 और बी की जगह क्या है वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह हमने ये वाई डिवाइडेड बाय 2 था तो इस इधर बी का स्क्वायर पुट कर दिया तो ये वाई डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का नॉमिनेटर का अलग सेपरेट, डिनोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है, इटसेल्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये देखें ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए हैं कैंसल, ये कैंसल हो जाएंगे कट जाएंगे तो हमारे पास ऊपर से क्या आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। फिर
फिर हमारे पास ये बी का स्क्वायर, इधर देखें वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर वाई की टू वाई मीटर, और ये क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर हमारे पास फोर आ जाए। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या है, आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट ये है, इसका फोर्थ पार्ट। अब देखें एक ही जगह पर वन डिवाइडेड बाय एम, एक ही जगह पर वन डिवाइडेड बाय एम, और बी की जगह पर क्या है, वन डिवाइडेड बाय एन। तो ए का स्क्वायर मतलब वन डिवाइडेड, एक ही जगह ए का वन डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक ही जगह वन डिवाइडेड बाय एम इंटू बी की जगह वन डिवाइडेड बाय एन। फिर नेक्स्ट क्या है, बी का स्क्वायर वन डिवाइड बाय एन का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता है, एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई एम की टू, ये टू मल्टीप्लाई वन टू आ गया ऊपर, तो डिवाइड में एम इंटू एन आ जाएगा। वन का स्क्वायर इधर, वन का स्क्वायर क्या हो गया वन, और एन का स्क्वायर क्या हो गया, एन स्क्वायर। ये आंसर है, ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका पार्ट, अब इसका सेवन पार्ट देखें। ए माइनस बी, इधर ए माइनस बी का हमने फार्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इधर देखें फोर पी क्या है, ऐसे समझिए जो फोर पी है ये ए है, और बी की जगह पर क्या है, टू क्यू। तो फार्मूले में पुट करते हैं, ए की जगह क्या पुट करते हैं, फोर पी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, इधर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर पी, और बी की वैल्यू क्या है, टू क्यू, फिर प्लस बी का स्क्वायर, टू क्यू का स्क्वायर। अच्छा फोर का स्क्वायर क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन, पी की टू, वैसे टू मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई टू, टू फोर था एट, एट टू था सिक्सटीन इंटू पी इंटू क्यू। अब देखें ये प्लस, वैसे टू क्यू का, टू का स्क्वायर टू का फोर, एंड क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये आंसर। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन टू की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू इस एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, इसको देखें a माइनस बी का स्क्वायर, वही फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इधर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 3x है, तो a के का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी, a की जगह 3x, b की जगह 4, और प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 3 था 9, एक्स एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3 सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई फोर 24 इंटू एक्स, वैसे फोर का स्क्वायर क्या होता है, फोर फोर था 16 होता है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, वही ए माइनस बी का स्क्वायर, अब ए की जगह पर क्या है, फोर एक्स स्क्वायर है, और माइनस टू ए बी, ए बी की जगह वही हमारे, ए की जगह फोर एक्स स्क्वायर, बी की जगह टू वाई, और प्लस बी का स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर। अब फोर एक्स का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर क्या होता है, सिक्सटीन एक्स की पावर फोर। अब देखिए इधर टू मल्टीप्लाई फोर क्या हुआ, एट एक्स स्क्वायर वैसे इंटू टू वाई वैसे, प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, और वाई की टू वैसे, सिक्सटीन एक्स की फोर वैसे, और एट मल्टीप्लाई टू, ये एट मल्टीप्लाई टू कितना हुआ, सिक्सटीन एक्स की टू वैसे आ गया, इंटू वाई आ जाएगा, ये बाकी वैसे उतार दिया, यही आंसर है। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी तरह सिक्स और सेवन्थ के और भी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, मैं बार बार कहता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद आता जाए। इसी तरह हम पीपीएससी लेक्चरशिप के पेपर भी डालने जा रहा हूँ, इसमें हर सब्जेक्ट के पीपीएससी के लेक्चरर, पिछले पेपर जो पास्ट पेपर हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगे।